अम्मा कोई 4-5 दिन बीत गया है, आज मैं देख रहा हूँ 4 तारीख हो गई, कोई आया क्या? क्यों ना साहब, क्यों ना आए विधायक यहाँ के आए? यहाँ को कोई और नेता आया? एकदम क्यों ना साहब, कोई आया? क्यों नहीं गरीब बन के चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राय हूँ टीम एटीआई से। आइए कैसे सच से आपको परिचित कराते हैं जिसको लेकर के आज पूरी जफराबाद में चर्चा है। एक ऐसा परिवार जो बिलख रहा है, एक ऐसा परिवार जहाँ पर रुआ से कम माहौल है, एक ऐसा परिवार जिसके आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम एटीआई जब पड़ताल करने के लिए निकलती है तो तटस्थता निष्पक्षता के साथ उसकी मार्मिकता भी चरम पर होती है। जफराबाद में एक ऐसा परिवार जो आस लगा करके बैठा है कि प्रतिनिधि मदद करेगा, लेकिन आज घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिनिधि घर झांकने नहीं आया। आखिर ये जफराबाद कैसा है? क्या जफराबाद में सियासत समाप्त हो गई है? क्या जफराबाद के लोगों को अब वोटों की सियासत समझ में नहीं आती? क्या जफराबाद में संवेदना समाप्त हो गई है? क्या जफराबाद में जज्बात समाप्त हो गए हैं? आइए पूरी घटना से मैं आपको परिचित कराता हूं। मैं अर्जुन, कोई भी मीडिया आए चाहे ना आए, लेकिन टीम एटीआई हर वक्त गरीबों के साथ है, हर वक्त मजलूमों के साथ है। आंसुओं को सोख करके ये पूरी पड़ताल मैं अर्जुन करने वाला हूं। आइए जुड़ते हैं परिवार के साथ और पूरी की पूरी घटना से आपको परिचित कराते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे लोगों का एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। आखिर ये किश्तों में खड़े लोग जो ठंडियों में बिल्कुल कह सकता हूं कि सिकुड़े हैं, जो कह सकता हूं कि शाम के इस समय 4:40 के समय हुए हैं, आखिर पड़ताल के लिए एटीआई को पूछा क्यों गया? आखिर एटीआई पहुंची कैसे? पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं और यह सनसनीखेज रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर यह दिखाएंगे कि जफराबाद में जज्बात समाप्त हो गए हैं। मैं बात करता हूं अम्मा आपसे, सबसे पहले आप बताएं आपका क्या नाम है? आशा जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये गांव कौन सा है? सोनारी। मैं मौजूद हूँ इस समय सोनारी में। दरअसल सोनारी गौरा बादशाहपुर से बिल्कुल आप देखेंगे तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास एक छोटा सा गांव है। यहाँ एक हरिजन बस्ती में, एक दलित बस्ती में, यू कह सकता हूँ कि कहते हैं कि सरोज बस्ती है, और यहाँ पे एक लड़के का जिसकी उम्र बताई जा रही है 22-23 साल, उसका कहते हैं कि कोयल जो पुआल काटने वाली जो मशीनें होती हैं उसमें हाथ जा करके कट चुका है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। आज 4 दिन बीत जाने के बाद उसका ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हो पाया है। आखिर पूरा मामला क्या है? परिवार के लोग क्या कहते हैं? आखिर किस वजह से? क्या पैसे की कमी आ रही है? और अगर पैसे की कमी आ रही है तो कहां गए वो धनपशु जो अपने आप को कहते थे कि मैं गरीबों की मदद करता हूं? आखिर मदद करने के लिए आए कि नहीं आए? इस गरीब बस्ती के पूरे परिवार को मैं दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं संख्या में यहां पे मेरे पास 10-12-15 लोग खड़े हैं। यहां आप देखिए ये परिवार का पूरा आवास है। सबसे पहले मैं परिवार की दयनीय स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा, वो इसलिए नहीं कि आप सहयोग करिए, वो इसलिए क्योंकि समाज में सहयोग करने वाले लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है और राजनीति हमेशा से सेवा भाव का नाम रही है। आइए ये परिवार रहता कहां है सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। अंदर की तरफ जरा चलते हैं, अंदर की तरफ जरा चलते हैं, आपको यहां मैं दिखाता हूं, मैं अर्जुन आपको दिखाता हूं यहां अंदर कि वास्तव में परिवार किन स्थितियों में रहता है। यहां आप देख सकते हैं बोरे की कुछ छोटी छोटी बोरियां रखी हैं जिसमें कुछ किलो भर धान रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ कंबल है, कुछ बच्चों के कपड़े हैं, और आप देख सकते हैं ये पुआल है जहां पर ये पूरा का पूरा परिवार सोता है। परिवार के लोगों से मैंने थोड़ी बातचीत की है आने से पहले, जहां बताया गया कि ये पूरा परिवार 10 से लेकर के 15 लोगों का है और एकमात्र ऐसा लड़का था जो पूरे परिवार के खान खर्च को लेकर के चलता था। आज एक परिवार के एक लड़के जिसने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली है, अगर उसका हाथ निकल जाए, अगर उसके बाजू निकल जाए तो उस परिवार को संभालने वाला कौन मिलेगा? आइए मैं आपको एक और हिस्सा दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं चाचा बैठे हैं, बिल्कुल वृद्धावस्था में हैं, परेशान है। आप देख सकते हैं आंसुओं का एक बूंद निकल रहा है, मैं देख सकता हूं कि परेशान है, हतप्रभ है, हताहत है। आखिर कैसे ऐसे हो गया? आप देख सकते हैं परेशान है चाचा। नाम जाना चाहती है आपका, क्या नाम है चाचा? कैसे ही घटना हुई गई? हमें मालूम ना बा लगावत में कतो हम पे आए पूरे रिश्तेदार हम अबे हमारी रिश्तेदार ही है। आप देख लीजिए ये परिवार के एक रिश्तेदार हैं। बताया जा रहा है कि घटना 31 तारीख के आसपास की हुई है और रिश्तेदारों का जमघट लगा है, चाह करके भी कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है। ये मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सरकंडे रखे हैं, कुछ गोहरिया रखी है, छोटा सा चूल्हा रखा है, गैस रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं परिवार, यहाँ कुछ लकड़ियां, यहाँ पुरानी साइकिल, यहाँ कपड़े। आखिर एक परिवार किस तरीके से इलाज कराएगा? चलता हूँ मैं बाहर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये सामने का पूरा इलाका। सामने आप देख सकते हैं इस परिवार की जो गुजर बसर है, ये एक गांव में कहते हैं ये सगड़ी या ठेला रखा गया है, इसी से परिवार की गुजर बसर होगी। वो पुआल रखी है, इससे परिवार की गुजर बसर होगी। अंदर की तरफ जरा दिखाइए ना, यहाँ पे पशु बांधे जाते हैं। कितने किलो दूध अगर एक पशु कोई रखता है तो दे लेगा कि किसी बेटे का अगर हाथ निकल जाए बाजू से तो उसका कोई इलाज करा पाएगा? पूरा मामला बड़ा संदेहास्पद है, पूरा मामला जज्बातों से भरा है। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, आपसे मैं बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम तो आपने मुझे बता दिया। हाँ। ये घटना कै तारीख को हुई और पूरा घटनाक्रम क्या रहा है? 31 कहाँ गलन है? बस्ती में कोवर धरा हुआ।
बता रही है यहाँ, मैं परिवार के लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ बताया जा रहा है कि ये सोनारी सरोद बस्ती तो है, यही बस्ती के एक हिस्से में कोयर जो मशीन काटने वाली होती है वो लगाने के लिए, वो धराने के लिए इनको यहाँ से बुलाया गया था। वहाँ जाने के बाद इनका जो मुझे बताया गया कि हाथ चल रहा था, ट्रैक्टर से चलता है, आपको पता भी होगा कि जब चल रहा था तो अचानक उनका हाथ उसी मशीन में चला गया और इत्तेफाक से ऐसा हुआ जिसको सुन करके पूरा परिवार गमजदा है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आंसुओं का जन सैलाब निकला है। आपसे जरा जानना चाहूंगा माँ, ये घटना जब हुई है तो कितना हाथ उनका, ये सिर्फ यहाँ कलाई तक निकला है या बाजू निकला है या ये कलर मतलब हाथ इतना रेटा सा मगर यहाँ से एकदम इसे झूली गया हाथ। अब जरा सोचिए, एक परिवार जिसके घर में एक ऐसा शख्स हो जो पूरे परिवार को चलाता हो, ये रिपोर्टिंग करते वक्त मैं विशेष तौर पे सीधे सीधे जज्बाती हूँ कि आखिर क्यों कोई सहयोग करने के लिए नहीं आ रहा। हाथ एक निकल चुका है, स्थिति यह है कि बिल्कुल आधा पड़ा है, आधा निकल चुका है, यहाँ कलाइयाँ निकल चुकी हैं, यहाँ से हाथ बिल्कुल कहते हैं कि निकल चुका है, आखिर कौन सहयोग करने के लिए आएगा? अम्मा कोई 4-5 दिन बीत गया है, आज मैं देख रहा हूँ 4 तारीख हो गई, कोई आया क्या? विधायक यहाँ के आए? यहाँ कोई और नेता आया? कोई आया? यहाँ लोगों का कहना है कि जब वोट लेना होता है, जब वोट लेना होता है तो लोग भागे चले आते हैं, लेकिन जब बात सहयोग की आती होती है तो यहाँ कोई सहयोग करने के लिए नहीं आता। मैं ये नहीं करता कि नहीं, आप जब आप किसी को वोटिंग करिए तो आप जरा उसका कुछ बदला लीजिए, लेकिन सहयोग जरूर होना चाहिए। ये परिवार मैं देख सकता हूँ परेशान है, ये परिवार जज्बाती है, इनको आखिर सहयोग करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको आगे की तरफ जरा दिखाना चाहूंगा, पूरा का पूरा मैं वातावरण दिखा रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी पहल की है और देख सकता हूँ कि इस पहल का बहुत खूबसूरत सा प्रमाण मिला है कि यहाँ सहयोग करने वाले लोग की धीरे धीरे एक भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं चलता हूँ सामने की तरफ और जरा आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बकरियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अपनी जगह पे बैठे हैं लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं है इस परिवार में आखिर हुआ क्या है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी गायें हैं, यही वो गाय है जिसको बताया जा रहा है कि यही कुछ दूध देती है तो परिवार का ये भरण पोषण चलता है। मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोग जो सियासत करने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, ऐसे लोगों का धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ है। ये एटीआई के पड़ताल की करामात है। आज देख सकते हैं कि बातचीत मेरी कुछ लोगों से चल रही थी, आप ठीक दाहिने तरफ, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इधर आ जाएं, आप लोग इधर आ जाएं। मैं देख सकता हूं कि मेरे ठीक यहां दाहिने तरफ मेरे साथ दाहिने तरफ मौजूद है, यहां इस क्षेत्र से पीछे की तरफ आप लोग आ जाएं, आप लोग पीछे की तरफ आ जाएं। आप देख सकते हैं ये परिवार, ये लड़का कितना अच्छा था कि जिसके लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, जरा दिखाइए कितने लोग पीछे, आप लोग आ जाएं, आप लोग पीछे आ जाएं, मैं पीछे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार उमड़ा है। पीछे की तरफ जरा कैमरा घुमा करके दिखाएं, कैमरा पर्सन पीछे की तरफ जरा कैमरा घुमा करके दिखाएं कि कितने लोग खड़े हैं। ये पूरे के पूरे लोग ये परिवार के साथ खड़े हैं। आइए जरा मैं आपको पूरी की पूरी रिपोर्टिंग करता हूँ और यहाँ मैं सामने की तरफ दिखाता हूँ, सहयोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे साथ यही स्थानीय सोनारी से, स्थानीय यहाँ से जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश यादव जनता जी हैं। सबसे पहले ब्रजेश भाई, आपका टीम एटीआई की तरफ से बहुत स्वागत है। ब्रजेश भाई, ये घटना घटी है 31 तारीख को घटना घटी है और आज 4 दिन बीतने के बाद, 4 दिन बाद आपको खबर लगी या अचानक इतने दिन कैसे बीत गया? चलिए यहाँ 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 जिला पंचायत सदस्य जनता यादव जी का सीधे सीधे कहना है कि किसी निजी कार्यक्रम में व्यस्त था और मुझे अभी कल पता चला है कि ये घटना हुई है। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक पुकार पर दौड़ा चला है, वो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पहली बार बुलाने पर भागा भागा चला है। आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगा, परिवार बड़ा गमजदा है और वास्तव में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस परिवार को आप मिलने भी आए हैं और मुझे जैसा पता चला है आप सहयोग करने के लिए भी आए हैं। आप यहाँ समाज के लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि लोग आए और इस परिवार को? और जो विधायक चुनाव लड़ रहा है उन्हें कहा कि परिवार को जरूर मदद करें और यहाँ आके परिवार को समझा दें भाई इस तरह बहुत दर्दनाक घटना हुई है, तो मैं यहाँ से जनता यादव जी की बात को अपने शब्दों में पिरो करके कहता हूँ कि प्रतिनिधियों को आना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। ये मामला, ये मसला पूरा का पूरा जज्बातों का है। एटीआई आपसे आग्रह करती है, एटीआई आपसे निवेदन करती है, आपसे पुनः आग्रह करती है कि आइए जफराबाद में इस विधानसभा के इस सोनारी गाँव में मुलाकात करिए जहाँ पर एक परिवार उजड़ते उजड़ते बसा है। मैं उम्मीद लगा के चलता हूँ कि जो कोई भी किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता हो, जो अपने आप को समाज सेवी कहता हो, वो आकर के इस परिवार से मिले और अपनी हर संभव कोशिश करें।
राजा भाई, आप परिवार के मुख्य सदस्य रहे हैं, मौके पर जब पूरी की पूरी घटना हुई है तो बहुत सारे लोगों का आना जाना, तो अभी आपने बताया कि लोगों का नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसने मदद की आश्वासन दिया हो? जी बताएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नारायण राय जी ने अच्छा कुछ सहयोग किया है जी, जी। बोले हैं कि जैसे ही वो लड़का यहाँ पे आता है, शिव कुमार स्वरूप पीड़ित जो है जी जी आता है, मुझे आप इन्फॉर्म करो, मैं ऐसे यहाँ के कृषि विभाग वालों से जो है मदद दिलवाऊंगा जी। और वो लड़का यहाँ पे है नहीं, बनारस है जी, जी। तो आने वाले थे, आ नहीं पाए जी। बोले कि जैसे ही आता है आप हमें बताओ, हम मदद करेंगे लड़के की पूरी से पूरी। चलिए, लोगों के सहयोग का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो गया। वहीं मैंने आपसे पहले बताया कि मैं सोनारी में हूँ और शिव कुमार जिस शख्स का नाम है उसकी आज पूरी बाहें निकल चुकी हैं। सहयोग करने के लिए लोग धीरे धीरे आगे आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा नाम पूर्व प्रधान रामू जी का है। आपसे पूर्व ग्राम प्रधान होने के नाते, पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते, गांव में एक सम्मानित ओहदा रखने के नाते आपसे मेरा सवाल रहेगा कि समाज के लोग जो भी जफराबाद विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों से आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम एकदम आग्रह करना चाहते हैं कि जफराबाद विधानसभा का मामला है, न कि सोनारी गाँव का मामला है। और हर लोगों से अपील है मेरी कि हर लोग आ करके इस पीड़ित परिवार का सहयोग करें, ताकि जो है कि यह परिवार, जो लड़का था शिव कुमार, उसका इतनी बड़ी घटना हो गई है। घटना के दौरान गांव के, मेरे ही गांव के लोग, तमाम लोग 200 400 500 करके हर गांव के लोगों ने सहयोग दिया भैया, उसमें हम भी शामिल रहे चंदा उतारने में जो है। और हम अपील करना चाहते हैं कि जफराबाद विधानसभा के वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हर लोग जो सक्षम है, राजनीतिक है, नेता है, वह लोग आकर के इस पीड़ित परिवार को मदद करें, सहयोग करें। यही मेरा निवेदन है, अपील है लोगों से।